ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। बहरहाल मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज़ का। हम लाड करते हैं, प्यार करते हैं, पनाह देते हैं, रेफ्यूज एज अ रख के आपको लाड भी करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, उसके बाद ये बदतमीजी। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप YouTube पे जाके सर्च करें, आप Facebook पे जाके सर्च करें, टाइटल ये लोग लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान फैन मिसबिहेव विद शहीन शाह अफरीदी, कटोरा, बाबर आजम। भाई सबसे पहले तो एक बात बताऊं कि ये असल में यहां पे अफगानिस्तान का कोई बंदा था भी नहीं। अफगानिस्तान के बंदे इतने फारिग हैं कि वो जाके टिकट खरीद के जो है वो वहां पर आयरलैंड वर्सेस जो है वो पाकिस्तान का मैच देखेंगे। इतने फारिग हैं वो लोग, इतने काम धंधे नहीं है उनके पास कि उनको बाहर निकाला जाएगा, फिर वो 8 बंदे और लेके आएंगे, क्या ये पाकिस्तान है? दरअसल इसके पीछे हकीकत क्या है? ये हुआ तो है ये मसला, लेकिन वो बंदा है कौन? दरअसल वो बंदा पाकिस्तान के पेशावर का रहने वाला है और वो पठान है, इमरान खान के पार्टी का सपोर्टर था। मसला क्या था उसको शाहीन शाह अफरीदी से? देखें, कुछ अरसे से शाहिद अफरीदी और इमरान खान के बीच में, इमरान खान तो जेल में, शाहिद अफरीदी ने बहुत सारी बातें की हैं इमरान खान के ऊपर। उनको जो सिक्योरिटी वाला जो है पाकिस्तान टीम के साथ जो जुड़े होते हैं सिक्योरिटी वाले लोकल, वो शाहीन अफरीदी मुड़ के वापस आने लगे, उन सिक्योरिटी वालों ने शहीन को मना कर दिया और शहीन को कहा कि आप जाएं, हम संभाल लेते हैं। फिर जो सिक्योरिटी वाले थे वो उस हजूम में गए और उन्होंने फैंस को पकड़ा और पकड़ के बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाएं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। फिर ऐसा जहां पर बात खत्म नहीं होती है, वो फिर 8-10 लोग और आते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग खड़े होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं कि आप हमारे खिलाड़ी के साथ इस तरह बदतमीजी कैसे कर सकते हैं। जिनको बाहर निकाला होता है वो फिर 8-10 इकट्ठे होते हैं और फिर पाकिस्तानी फैंस के साथ वो वहां पर झगड़ा करते हैं, जो कि बहुत शदीद नोयत का नहीं होता मगर तल्ख कलामी वहां पर भी होती है। और मुझे याद है 2019 वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का लीड्स में मैच हुआ था, आई गेस लीड्स में ही हुआ था, वहां पर बाहर एकदम मतलब इतनी शदीद किस्म का झगड़ा हुआ था कि मैं बता नहीं सकता। अब बहुत से लोगों को याद होगा, उस वक्त खबरें भी चली थी, वीडियोस भी चली थी। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान मीडिया में ये बात बड़े जोरों शोरों से दिखाई जा रही है कि एक अफगानिस्तान के फैन ने पाकिस्तान की प्लेयरों की इंसल्ट की, जहां पर उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को गाली दी और उनको अनाप शनाप भी कहा, और इसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने कंप्लेंट किया और फिर उस क्रिकेट फैन को स्टेडियम से बाहर निकाला गया और उसे उस मैच को देखने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर जाकर वो अफगानी और लोगों को लेकर आया और फिर उसने वही हरकत की जो वो खुद कर रहा था। पर ये बात अलग है कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच देखने क्यों आएंगे। ऐसी भी बातें आ रही है कि वो एक पीटीआई का सपोर्टर है जो कि शाहीन शाह अफरीदी को अब्यूज़ कर रहा था, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी शाहिद अफरीदी के दामाद है और शाहिद अफरीदी जमकर इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। हम बीइंग अ नेशन लाड करते हैं, प्यार करते हैं, अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमारे भाई हैं और हमने हमेशा उनके बुरे वक्तों में सपोर्ट की, लेकिन ये क्या तरीका है कि आपने धक्का भी मार रहे हो, आप बदतमीजी भी कर रहे हो और फिर उसका दूसरा बंदा आके उसको आसपास के धक्के मार रहे हो।
अमीन आप क्रिकेट खेलो, जोश दिखाओ, जरूर करो, सारा कुछ करो, बदतमीजी नहीं करो यार। आप धक्के मार रहे हो और गालियां निकाल रहे हो, ठीक है आप गालियां निकालो जो मर्जी करो, लेकिन ये बदतमीजी बर्दाश्त होगी तो इसलिए अल्लाह ने आपको सजा दी। आप YouTube पे जाके सर्च करें, आप Facebook पे जाके सर्च करें, टाइटल ये लोग लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान फैन मिसबिहेव विद शहीन शाह अफरीदी, कटोरा, बाबर आजम। भाई सबसे पहले तो एक बात बताऊं कि ये असल में यहां पे अफगानिस्तान का कोई बंदा था भी नहीं। अफगानिस्तान के बंदे इतने फारिग है कि वो जाके टिकट खरीद के जो है वो वहां पर आयरलैंड वर्सेस जो है वो पाकिस्तान का मैच देखेंगे। इतने फारिग हैं वो लोग, इतने काम धंधे नहीं है उनके पास कि उनको बाहर निकाला जाएगा फिर वो 8 बंदे और लेके आएंगे, क्या ये पाकिस्तान है? दरअसल इसके पीछे हकीकत क्या है? ये हुआ तो है ये मसला, लेकिन वो बंदा है कौन? दरअसल वो बंदा पाकिस्तान के पेशावर का रहने वाला है और वो पठान है, इमरान खान के पार्टी का सपोर्टर था। मसला क्या था उसको शाहीन शाह अफरीदी से, देखें कुछ अरसे से शाहिद अफरीदी और इमरान खान के बीच में, इमरान खान तो जेल में, शाहिद अफरीदी ने बहुत सारी बातें की हैं इमरान खान के ऊपर। जब इमरान खान पीएम थे तो शाहिद अफरीदी इमरान खान का साथ दे रहे थे, जब उनको पकड़ के जेल में डाला, सरकार टट्टू शरीफ की आई तो शाहिद अफरीदी घिसक गए और भाई उन पंजाब का साइड लेने लगे और इमरान खान के ऊपर किस्म किस्म की बातें करने लगे। और वही मसला था कि शाहिद अफरीदी के बहुत सारे चाहने वाले पाकिस्तान में पठान वो उनके खिलाफ हो गए, और ये वही लोग हैं जो शाहीन शाह अफरीदी को कहीं पे भी ग्राउंड में इनको मिलता है तो वो उनको गालियां देते हैं। वो किस वजह से देते हैं आपको पता है? कि ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। बहरहाल मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज का। हम लाड करते हैं, प्यार करते हैं, पनाह देते हैं, रेफ्यूज एज ए रख के आपको लाड भी करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, उसके बाद ये बदतमीजी। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। रूल ली बात की और जब शाहीन अफरीदी के कानों पे उसकी ये लहजा और जो अल्फाज उसने यूज किए, मैं व्लॉग में बोलना नहीं चाहता, तो शाहीन अफरीदी को गुस्सा आया। उनको जो सिक्योरिटी वाला जो है पाकिस्तान टीम के साथ जो जुड़े होते हैं सिक्योरिटी वाले लोकल, वो शाहीन अफरीदी मुड़ के वापस आने लगे। उन सिक्योरिटी वालों ने शाहीन को मना कर दिया और शाहीन को कहा कि आप जाएं, हम संभाल लेते हैं। फिर जो सिक्योरिटी वाले थे वो उस हजूम में गए और उन्होंने फैंस को पकड़ा और पकड़ के बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाएं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। फिर ऐसा यहां पर बात खत्म नहीं होती है, वो फिर 8-10 लोग और आते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग खड़े होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं कि आप हमारे खिलाड़ी के साथ इस तरह बदतमीजी कैसे कर सकते हैं। जिनको बाहर निकाला होता है वो फिर 8-10 इकट्ठे होते हैं और फिर पाकिस्तानी फैंस के साथ वो वहां पर झगड़ा करते हैं, जो कि बहुत शदीद नोयत का नहीं होता मगर तल्ख कलामी वहां पर भी होती है। और मुझे याद है 2019 वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का लीड्स में मैच हुआ था, आई गेस लीड्स में ही हुआ था, वहां पर बाहर एकदम मतलब इतनी शदीद किस्म का झगड़ा हुआ था कि मैं बता नहीं सकता। अब बहुत से लोगों को याद होगा, उस वक्त खबरें भी चली थी, वीडियोस भी चली थी,